खुद की मदद खुद ही कैसे करें? जी हाँ, आज अपन बात करेंगे खुद की मदद खुद ही कैसे करेंगे। आप कहोगे सर तो खुद की मदद खुद ही कैसे करें? खुद की मदद तो लोग करते हैं, किसी की मदद करनी है तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप अपने स्वयं की मदद कर सकते हो। और अगर आप अपने स्वयं की मदद करोगे ना तो आपको किसी दूसरे की मदद लेनी नहीं पड़ेगी। सेल्फ हेल्प करना सीखिए। जिस दिन आपने सेल्फ हेल्प करना सीख लिया ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इंसान को सेल्फ हेल्प करनी चाहिए, खुद की मदद खुद को ही करनी चाहिए। तभी उसमें स्ट्रांगनेस आती है, तभी उसमें आत्मविश्वास आता है, तभी उसमें जुनून आता है, तभी उसमें जोश आता है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। तो खुद की हेल्प खुद ही कैसे करें? देखिए, सुबह जल्दी उठने का मन ना हो तो भी आप यह सोच के उठे कि मुझे कुछ करना है, और अगर आप सुबह जल्दी उठकर काम पे चले जाएं तो यह होती है खुद की मदद खुद ही करना। जब आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हो ना तो आलस्य ऐसा आता है कि मैं 10 मिनट सो जाऊं, मैं 10 मिनट के बाद उठ जाऊंगा, फिर वापस 10 मिनट का अलार्म पढ़ते हो, वापस आप उठते हो 10, फिर अगर 5 मिनट में उठ रहा हूं, फिर कहते हो फिर वापस 5 मिनट बाद अलार्म बजता, फिर 10 मिनट में उठ रहा हूं। यह आदत छोड़कर उस वक्त दिमाग में यह लाना कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मुझे अपने स्वयं के लिए करना है, और मुझे उठना है, मुझे इस दुनिया में कुछ कर गुजरना है। जब आप यह सोचकर उठोगे ना जल्दी, तो यह और किसी की मदद नहीं होगी, यह स्वयं आपकी मदद होगी आपके द्वारा। इसको कहते हैं खुद की मदद खुद ही करना। कोई दूसरा आपको उठाने के लिए थोड़ी आएगा कि उठ जा बेटा जल्दी उठ जा, तेरे को काम पे जाना है, उठ जा बेटा जल्दी उठ जा, तेरे पास टाइम नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करेगा अगर तू जल्दी उठेगा तो। कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए। आपको स्वयं को, अपने आप को जगाना होगा। और जब आप स्वयं को जल्दी उठने के लिए प्रेरित करेंगे ना, तो यह आपकी मदद आप खुद ही करोगे। सेकंड, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में कम से कम 15-20 मिनट रोज अपने स्वयं के लिए निकालना। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान को अपने लिए टाइम ही नहीं है। वो अपने परिवार के लिए कार्य करता रहता है, वो अपने जो जुनून और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या किसी क्षेत्र में टॉप पे पहुंचने के लिए रात दिन मेहनत करता रहता है। उस रात दिन की मेहनत में वो अपने लिए जीना भूल जाता है, अपने ख्वाहिशें वो भूल जाता है कि मेरे भी कुछ उमंगे थी, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी। सारा सब कुछ वो भूल जाता है अपने करियर बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए। अगर आप इस व्यस्ततम कार्यक्रम में अगर 10-15 मिनट आप स्वयं के लिए निकालोगे ना, तो यह आपकी मदद आपके लिए होगी। आप खुद की ही मदद करोगे अगर आप अपने लिए समय निकालोगे तो। जो मेहनत करते हो ना, उससे ज्यादा मेहनत करना, यह आपकी खुद की मदद होगी। आप यह सोचकर मेहनत करेंगे कि मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मेरे स्वयं के लिए करना है। 8 घंटे मेहनत कर रहे हो तो अगर आप यह सोच के 10 घंटे मेहनत करोगे ना, तो यह आपकी मदद आपके खुद की ही मदद होगी, यह आपकी सेल्फ हेल्प होगी। और यही आप खुद की मदद खुद ही करोगे। इसलिए जो मेहनत आप करते हो ना, तो यह सोचो कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ नाम करना है, मुझे कुछ कर गुजरना है। अगर यह सोच के करोगे तो आपकी मदद आप खुद ही करोगे। जब दिमाग में नकारात्मक विचार आए तो उन नकारात्मक विचारों को भगाना और सकारात्मक विचार लाना, यह आपके स्वयं की मदद होगी आपके द्वारा। इंसान के दिमाग में हजारों नकारात्मक विचार आते हैं, पल पल नेगेटिव सोचता रहता है। उन नेगेटिव विचारों को अगर आप दूर करके पॉजिटिव विचार अपने अंदर लाओगे ना, तो ये आपकी मदद आपके लिए होगी। आप स्वयं के लिए मदद करोगे अगर आप नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में लाओगे ना, तो ये आपकी मदद आपकी ही होगी। और किसका फायदा होगा? आप स्वयं का फायदा होगा, आपके ही द्वारा आप स्वयं का मदद होगा। तो ये तो हो गया ना, खुद की मदद खुद ही करना।
गुस्सा आने पर भी अपने आप को कंट्रोल करना, यह सोचकर कि इस गुस्से के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और अपने आप को कंट्रोल करना और गुस्से को शांत करना, यह आपकी मदद, आपके स्वयं के लिए मदद होगी अगर आप ऐसा करोगे तो। वरना गुस्सा आएगा तो आप गुस्से में गुस्से क्या क्या कर लोगे, उससे नुकसान किसको होगा, आप स्वयं को नुकसान होगा। अगर आप इसको अगर रोक लोगे ना, गुस्से को अपने अंदर में शांति से उसको अगर रोक लोगे ना, तो आपकी मदद होगी, अपने लिए मदद होगी, आपका अहित बच जाएगा। इसीलिए जब गुस्सा आने पर अपने आप को कंट्रोल करना, यह आप स्वयं की मदद, आपके द्वारा आप स्वयं की मदद होगी। असफलता मिलने पर भी निराश ना होना, मन में कुछ उमंग कुछ जोश रखना, यह मदद होगी आपके लिए। हर इंसान को जीवन में असफलता मिलती है, लेकिन जब उस असफलता से आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और वापस मन में कोई उत्साह उमंग जब खत्म हो जाता है ना, तब इंसान क्या करता है, बहुत ही निराश हो जाता है। उस वक्त यह सोचकर वापस काम पर लगना और वापस अपने जोश जुनून को तैयार करना कि मुझे वापस कुछ करना है, वापस आगे बढ़ना है, तो यह आपके स्वयं की मदद आपके लिए होगी। ये इससे किसको फायदा होगा, सिर्फ आपको फायदा होगा। अपने आप को टाइम वेस्ट करने से रोकना, आपका भी मन करता होगा कि यार मैं भी कुछ टाइम वेस्ट करूं, मैं भी कुछ न कुछ, जो लोग गप्पे लड़ाते हैं, जो लोग आराम से घूमते फिरते हैं और कहीं पे भी रहते हैं और दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं, कभी कभी आपको भी लगता है होगा कि मेरे को भी टाइम वेस्ट करना चाहिए। जब आप टाइम वेस्ट करने की सोचो, तब आपके दिमाग में ख्याल आए कि मुझे उनसे कुछ हटकर करना है, मुझे उनसे आगे निकलना है, मुझे कुछ इस दुनिया में करना है। जब आप ये सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना, तो ये आपकी मदद आपके द्वारा होगी, ये सेल्फ हेल्प मदद होगी आपके द्वारा। अगर आप ये सोच लोगे टाइम वेस्ट करोगे, तो आपके नुकसान किसका होगा, आपका नुकसान होगा, और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप ऐसे नेगेटिव ख्याल टाइम वेस्ट करने के मन में आए ना, तब उस ख्यालों को रोकना और कुछ कर गुजरने के लिए आगे बढ़ना, यह आपके स्वयं की मदद होगी आपके द्वारा। इसीलिए खुद की मदद खुद ही अपन कैसे कर सकते हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपनी खुद की मदद अपन खुद ही कर सकते हैं।